यार वो तुम्हें मुंह नहीं लगा रहे, और यार वो तुम पे थूकने को तैयार नहीं, तुम उस पे तंज कर रहे हो अपने लोगों को खुश करने के लिए। और यही नरेंद्र मोदी, यही नरेंद्र मोदी जिस वक्त चलता है आपके घर में, ताशकंद से ही आ रहे थे, ताशकंद और अब काबुल और फिर उसके बाद लाहौर आता है, हमारी इज्जत करता है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा पीएम ने जो इनिशिएट लिया वो बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है कि वो इंडिया के साथ लड़ना नहीं चाहते, वो दोनों कंट्रीज का भला चाहते। इस मुल्क का पैदा होने वाला बच्चा भी गिर भी पड़ा है, हम मिली नगमे, हम जिंदा कौम और फलाना कौम, क्या कौम कौम, बच्चे तो गिर भी पड़े। आप इंडियन इकोनॉमी इस वक्त ग्रो कर रही है 8-7% एंड दे थिंक कि दे कैन ग्रो टू इवन 10% एंड बियॉन्ड, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 3.5-4.5, गवर्नमेंट कहती है 4.7, इफ़ यू डू अ रियलिस्टिक असेसमेंट तो इट्स प्रॉब्ली 3.5। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका भारत की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों आजकल पाकिस्तान में ना तो खाने को रोटी मिल रही है और ना ही पीने को पानी, उसे देख पाकिस्तान ने इंडिया से ट्रेड शुरू करने का फैसला किया, लेकिन इंडिया ने कहा हम तुम पर थूकते भी नहीं हैं, उसे देख पाकिस्तानी मीडिया बौखला सा गया है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात की चर्चा कर रहा है कि अब हमारी इंडिया के आगे औकात कुछ भी नहीं, अब हम इंडिया से चाह के भी अपने रिलेशंस अच्छे नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि हम तुम पर थूकते भी नहीं हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस बात की चर्चा कर रहा है कि अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, अब हमें कोई भी इस दुनिया में नहीं बचा सकता। आए दोस्तों मिलकर इस वीडियो का आनंद लेते हैं और ये वीडियो एंजॉय करते हैं। जय हिंद। मोदी उसको उसने खड़े होके जाती तौर पे जिस तरह वो गली के थड़े पे लोग खड़े होके आवाजें कस रहे होते हैं, इसने उस तरह से आवाजें कसी हैं नरेंद्र मोदी पे, वो एक फासिस्ट है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, वो ये, ओ यार गलत बात है, पब्लिक करते हो, जब वो आके तुम्हारा फोन नहीं सुनता पहले तुम उसे ट्राई करते हो बाद में इसे भी पब्लिक कर देते हो। ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 27 फरवरी को जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ये ऑफर कर रहा है कि मैं पाकिस्तान नहीं, मैं डायलॉग पर यकीन रखता हूं, मैं दोस्ती पर यकीन रखता हूं, भारत को चाहिए कि मुझसे बात कर ले, ये नहीं कि पाकिस्तान दोस्ती पर यकीन रखता है, पाकिस्तान अमन पर यकीन रखता है, पाकिस्तान हमसायों से अच्छे ताल्लुक चाहता है, नहीं मैं ये चाहता हूं, ठीक है, और यानी मेरे होते हुए फायदा उठा लो, भारत को मेरे से जानता कोई नहीं है, भारत को यानी कह रहा है कि मेरे होते हुए फायदा उठा लो, बाद में ये चांस नहीं मिलेगा। यार वो तो बमूनी लगा रहे उसके बाद तुम कह रहे हो, रो रहे हो, ये टीम का लीडर ये कह रहा है और उसी का वजीर खारजा जो आप बता रही है वो ये कह रहा है कि अब नहीं है साड़ियों वाले, और यार वो तुम पे थूकने को तैयार नहीं, तुम उस पर तंज कर रहे हो अपने लोगों को खुश करने के लिए। और यही नरेंद्र मोदी जिस वक्त चलता है आपके घर में, ताशकंद से ही आ रहे थे, ताशकंद और अब काबुल और फिर उसके बाद लाहौर आता है, हमारी इज्जत करता है। और आपसे गुजारिश करूं कि नरेंद्र मोदी का अपना इंटरव्यू आपने देख रखा होगा यूट्यूब पर, जिस पर उसने एक्सप्लेन किया कि मैं जब लाहौर गया था तो मुझे मेरे प्रोटोकॉल वालों ने कहा कि इनके हेलीकॉप्टर पे मत बैठो। वो कहता है कि जब मैं आ रहा था तो मैंने, हमने इस्लामाबाद रुकना था तो पता चला कि उनकी तो वो लाहौर में है, हमें ये जवाब मिला तो मैंने कहा कि लाहौर चलते हैं, आओ लाहौर चलते हैं, कोई बात नहीं, हम एक कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिरते रहते थे, तो जो फिरते रहते थे नहीं फिरते रहते हैं, एक सहाफी ने पूछा था जो बाइडेन ने नहीं, जो बाइडेन के चपरासी का चपरासी अगर मिस कॉल दे दे तो बहुत कुछ हो सकता है, मतलब आप छोड़ दीजिए, आप मुझे ये मत बताइए कि हम रातों रात सुपर पावर हो चुके हैं। इस वक्त ग्रो कर रही है 8-7% एंड दे थिंक कि दे कैन ग्रो टू इवन 10% एंड बियॉन्ड, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 3.5-4, गवर्नमेंट कहती है 4.7, इफ यू डू अ रियलिस्टिक असेसमेंट तो इट्स प्रॉब्ली 3.5, तो वो ग्रोथ रेट जब इतना डिफरेंस आपका और हिंदुस्तान का आता है तो दे उसको अगर आप प्रोजेक्ट करें तो यू बाय 2050, क्योंकि 2050 को कहते हैं एशियन सेंचुरी जो है ना, 2050 में एशियन की सेंचुरी शुरू हो जाएगी, वेयर एशिया विल डोमिनेट द वर्ल्ड इकॉनमी, बट 2050 में अगर यही ट्रेंड्स रहे कि पाकिस्तान 3.5-4% पे ग्रो करे, हिंदुस्तान 8% प्लस पे ग्रो करे,
तो उनकी इकॉनमी हमसे कोई 40 गुना बड़ी इकॉनमी हो जाएगी। इस वक्त इंडिया की इकॉनमी हमारे से 7 गुना बड़ी है एंड वी कैन मैनेज दिस रेशियो, लेकिन वंस इट गेट्स टू बीइंग 40 टाइम्स लार्जर देन अस देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, क्योंकि फिर आपकी उसी हिसाब से आप डिफेंस स्पेंडिंग नहीं कर सकेंगे, उस तरह से आप इनोवेशन नहीं कर सकेंगे, वो आपका क्लाउट नहीं होगा, दुनिया आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगी। सो नंबर वन, यू हैव टू ग्रो वेरी वेरी फास्ट एंड विच मीन्स के पूरे पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल है, यू हैव टू फुली अचीव दैट पोटेंशियल। एक कदम चलेगा तो वो 10 कदम आगे बढ़ेंगे। अभी नंदनवाला मामला ये आपके सामने है, जिसमें पाकिस्तान ने अमन की खातिर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का सब्र और तहमुल से जवाब दिया, भारतीय पायलट को वापस भेजा गया, लेकिन दूसरी जानब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा। अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। सवाल ये है कि कुछ रोज पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ से ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम लोग इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं ताकि आने वाले वक्तों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो सके, लेकिन इन रिटर्न हमारे पास जवाब इंडिया की तरफ से पॉजिटिव नहीं आया और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिफ्यूज कर दिया है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ वो लोग गंदम की ट्रेड नहीं करना चाहते, क्या वजह हो सकती है? मेरे हिसाब से ये जो हमारा इनिशिएटिव था काफ़ी पुअर फॉरेन पॉलिसी की वजह से था, क्योंकि अभी हमारी जो अगर हम देखें बाउंड्री जो बॉर्डर है कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, उस पर रोज़ाना इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। पहले हम अपना पीस टॉक्स और पीस रेजोल्यूशन पे तो पूरे उतर जाएं, फिर हम उससे बाद में ट्रेड भी कर लेंगे। पहले हमारे निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। अगर आप देखें तो फ्रांस जो मुल्क है ये यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फ्रांस का हमारे हमसाये के साथ हमारे दुश्मन के साथ बहुत करीबी तलक है, यानी कि रफाल तैयारों से लेकर हर चीज पर हमें उसको इस तरफ देखना चाहिए कि अभी दुनिया में 125 अरब आबादी मुसलमानों की है, तो मुसलमानों को एक जा तो होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे कि ये कश्मीर का मौकफ OIC में, जब हम कभी भी कश्मीर का मसला लेकर गए हैं, और ये वही OIC है जिसने इंडिया की वजीर खारजा को अपना चीफ गेस्ट रखा था।